बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में आप कंटिन्यू करेंगे पिछले वाले को ही, और जिस तरह से हमने देखा था कि व्यू डाटा, टाइम डाटा और व्यू बैक के दरमियान डिफरेंस, तो आज जो है वो एसक्यूएल से शुरू करेंगे क्योंकि हमने बेसिक्स तो पढ़ ली हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू होगा कि हम डाटा किस तरह से डाटाबेस से फैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक एसक्यूएल के अंदर डाटाबेस का एक छोटा सा डाटाबेस बना लेता हूँ और फिर उसी टेबल को हम फैच करवाना सीखेंगे। याद रहे, ये लेक्चर जो होगा वो हमारे लिए एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू होगा। जैसे मैंने पहले बता चुका था, कुछ चीज़ें पढ़ाई थी जब हम एडीओ डॉट नेट पर काम कर रहे थे। इसके अलावा हमने जो है वो डायरेक्टली क्वेरी पे काम किया था, प्रोसीजर बना के कॉल करवाया था। लेकिन अब आज जो एक काम करवाना जा रहा हूँ वो क्या होगा, वो एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू होगा। ठीक है, और ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच होगी। सबसे पहले एक डेटाबेस बना लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और उसका नाम रख दिया मैंने, सपोज कर लीजिए कि स्कूल मैनेजमेंट, सिंपल सा नाम दे दिया, कंट्रोल ई यूज, और यहाँ पे कर दिया स्कूल, ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ई, देन उसके बाद अब चलते हैं क्रिएट टेबल टीबीएल एडमिन। ठीक है, एडी आईडी इंटीजर प्राइमरी की। ठीक है, इसके बाद एडी नेम, और मैंने इसको आइडेंटिटी भी जान के नहीं किया, और यहां से मैंने दे देता हूं उसको वारचार यानी नॉट नल। ठीक है, देन उसके बाद दे दिया एडमिन पासवर्ड, और इसको भी मैंने कर दिया वारचार, बल्कि ऊपर से कॉपी कर लेता हूं, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से कॉमा हटा देते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। इतना टेस्टिंग के लिए बहुत है, बाद में जब हम काम करेंगे ई कॉमर्स के ऊपर तो फिर मैं और तफसीली इसको बताऊंगा। ठीक है, देन उसके बाद इंसर्ट इनटू डाटा भी रैंडमली खुद से हम इंसर्ट इसमें इंसर्ट कर लेते हैं अभी, इंसर्ट इनटू टीवीएल एडमिन। ठीक है, और इसमें मैं कर देता हूँ, यहाँ पहले इन्हीं को ही कॉपी कर लिया, एडी आईडी, एडी नेम, एडी पासवर्ड वैल्यूज, और यहां दे दिया सबसे पहले आईडी, नेम दे दिया साद, और पासवर्ड दे दिया एबीसी 123। ठीक है, एग्जीक्यूट करवा लेते हैं इसको, एक बार और कर लेते हैं, हमजा ए बी सी 1234। ठीक है, अच्छा भाई ये हो गया। अब चलते हैं एसक्यूएल की तरफ, सॉरी विजुअल स्टूडियो। यहां से आके फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एएसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन, यहां मैं इसका नाम दे देता हूं एंटिटी फ्रेमवर्क, ओके किया, यहाँ से MVC, यहाँ से चेंज ऑथेंटिकेशन, और इसको कर दिया नो, ओके कर दिया, यहाँ से कर दिया ओके। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा अब ये, इसको कर दिया कैंसिल। ठीक है, अब देखिए लास्ट टाइम जो काम किया था उसमें हमने अभी तक जो काम करते हुए आ रहे थे उसमें कोई कंट्रोलर नहीं बना रहे थे, उसमें बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो होम कंट्रोलर था हम उसी पे ही काम कर रहे थे। सबसे पहले मैं आके एंटिटी फ्रेमवर्क का तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आपने एंटिटी फ्रेमवर्क को ऐड करवाना होगा। मॉडल्स पे आइए, कंट्रोल शिफ्ट ए कीजिए, यहाँ से आने के बाद क्लिक करें डाटा पे, डाटा से कर दें एडीओ डॉट नेट एंटिटी डाटा मॉडल, इसको ऐड कराइए यहाँ से। यहाँ से फर्स्ट ईएफ डिजाइनर फ्रॉम डाटा बेस, न्यू कनेक्शन, न्यू कनेक्शन पे क्लिक करके आपके जो एसक्यूएल का सर्वर नेम है उसको कॉपी कर लें, कॉपी, यहाँ लगे इसको पेस्ट। ठीक है, विंडोज ऑथेंटिकेशन पे है, इसी को इस पे रहने दीजिए, यहाँ से क्लिक कीजिए इसके ऊपर जो आपका स्कूल मैनेजमेंट आपका डेटाबेस का नाम था, टेस्ट कनेक्शन, यहाँ से कर दें इसको ओके, और यहाँ से कर दें ओके। ठीक है, उसके बाद देखें ये क्या आ जाएगा, आपको इसका कनेक्शन खुद बना के दे देगा। पहले वाले में हमने जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे डेस्कटॉप पे, तो याद होगा हम वहाँ पे अलग से बनाते थे, लेकिन यहाँ पर ये इसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो पहले से बन चुकी है।
नेक्स्ट पे क्लिक करें, एंटिटी फ्रेमवर्क 6.x पे काम करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, देन उसके बाद यहाँ से कर दें टेबल को सिलेक्ट। ठीक है, टेबल से क्या हो जाएगा, इंटायर जितना भी डाटाबेस है वो सारा का सारा टेबल में आ जाएगा। फिनिश कर दें, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपको क्या कर देगा, क्योंकि अभी डेटाबेस में एक ही टेबल है तो वो एक टेबल यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ से इसको ओके कर दें। ठीक है, फिर ओके करें। देखिए वो टेबल आपके पास यहां पर आ गया ऑटोमेटिकली। अब डायरेक्टली आपने वहां पे से बाइंड करवा दिया, कंट्रोल शिफ्ट बी करें, लाजमी तौर पे कंट्रोल शिफ्ट बी कीजिएगा वरना ये एरर्स देंगे बाद में। यहां पे आपका जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड हो चुका है। नीचे आ जाए, हम यहां पर आकर क्या करेंगे, कंट्रोलर में पहले याद होगा हम क्या करते थे, डायरेक्टली एक्शन मेथड पे काम करते थे, लेकिन अब यहां पे क्या किया जाएगा, राइट क्लिक करें और यहां से कर देंगे ऐड और यहां से कर देंगे कंट्रोलर। पहले वाला हम एमटी यूज करते थे, अभी जो हम यहां पे आके एमवीसी 5 विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड कर दें इसको। यहां से आपसे वो पूछेगा, मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखिए मेरे पास वहां पे वो टेबल एडमिन आ रहा है, इस पे क्लिक किया, यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास, जो आपकी क्लास का नाम है देखिए वो खुद से उठ के आ रही है। यहां से आप क्या कर देंगे, जो आपका कौन सा पेज यूज करेंगे वही लेआउट का, तो शेयर्ड और यहाँ से लेआउट और इसको ओके कर दें, आपका क्या हो जाएगा, ये ऐड हो चुका है। यहाँ से ऐड करवा दें, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और आपका यहाँ पे कंट्रोलर अब ऐड हो चुका है। ठीक है, अगर हो जाए तो फिर आपका जो है वो खुद से वो बाई डिफॉल्ट आपको सारी चीजें बना के दे देगा। ये देखिए आपको अब यहाँ पर क्या होगा, सारा वो इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड वो खुद से करके दे देगा। कैसे, अभी जरा चला के देखते हैं इसको। चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप आइए यहाँ पर पहले ऐप स्टार्ट, यहाँ पे आके रूट, बल्कि पहले वहां से कॉपी कर लेते हैं, ये राइट क्लिक किया, यहाँ से इसको राइट क्लिक करने के बाद रीनेम किया और इसको कॉपी कर लें, वापस चलिए ऊपर और यहाँ जाके रूट कॉन्फिग के अंदर आकर एक्शन के जो होम आ रहा है कंट्रोलर के अंदर इसको मिटा के यहाँ पेस्ट कर दें और कंट्रोलर हटा दें यहाँ से, बस साइड में रहने दें। कंट्रोल से बी कीजिए, कंट्रोल F5 कीजिए। अब देखें चला के चेक करते हैं। देखिए वहां पे क्या हुआ, डाटा जो दोनों हमारे पास पीछे था वो पूरा यहाँ पर उठ के आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, मींस यहाँ से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको किया, सपोज कर लें नाम चेंज करके कर दिया अब्दुल बासित और पासवर्ड मैंने इसको कर दिया 0332444 समथिंग, सेव किया। अब देखिए वहां जाकर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी ये डाटा अपडेट हो चुका होगा, ये वाला नहीं था ये वाला है, जाके चेक करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल नेम मेरा है टीबीएल एडमिन, तब देखिए यहां पर वो क्या हो चुका है, अब्दुल बासित अपडेट हो चुका है डाटा। उसके बाद इसको और चला के देखें तो मेरे पास यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो देखें वो मुझसे पूछ रहा है कि डाटा डिलीट करना है, डिलीट कर दूंगा, डाटा डिलीट हो चुका है। वहां जाके चेक करते हैं दोबारा, तो देखें यहाँ पे वो डाटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू डाटा को फेच करवा सकते हैं। अभी से पहला इंट्रोडक्शन था, क्योंकि अभी तक हम जो थे वो बेसिक पे काम कर रहे थे, खुद से डाटा लेकर आ रहे थे, मतलब वहां पे डमी लिख रहे थे, लेकिन अब जो है वो डाटा कहाँ से उठ के आ रहा है, डेटाबेस से उठ के आ रहा था, और ये किसके थ्रू किया, हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से यूज किया था एंटिटी फ्रेमवर्क के। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद देखिए इसका डिजाइन वगैरह आप खुद से चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा मैं तरीका ऐसा ऐसा करके बताता रहूंगा। ठीक है, जैसे कि आप इसका लेआउट चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, लाइक ये मेरे पास यहाँ पर जो था वो इसका आप कुछ और चेंजिंग कर सकते हैं, इसको टेबल का कलर जैसे मैंने पहले ही बताया, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, अलाइसेंस यूज कर सकते हैं, इसके अलावा क्रिएट न्यू करके आप यहाँ पे नया भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर 4-3 दे दिया, यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया एग्जाम्पल, अब 7 दिया यहाँ पर, और पासवर्ड मैंने इसको दे दिया एग्जाम्पल ABC 1 2 3 4 5, क्रिएट किया, देखिए मेरे पास यहाँ पर डाटा इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह से जब मैं जाके चेक करूंगा वहां पर, तो डाटा मेरे पास यहाँ पर भी इंसर्ट हो चुका होगा, तो देखिए यहाँ पर डाटा इंसर्ट भी हो चुका है। तो ये किसकी मदद से किया गया था, ये एंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से किया गया था, तो उम्मीद से क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह इसके आगे और फर्दर काम करते रहेंगे, तो बाकी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है भाई।